नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपकी साझवी। हिसार की बेटी कल्पना ने आईएसएस की परीक्षा परिणाम में 12वां स्थान हासिल करके हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके चयन होने पर आजाद नगर में मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। माता राजबाला ने बताया कि उनकी बेटी काफी होशियार है और उसकी मेहनत और लगन का नतीजा है कि परीक्षा में पास होकर उसने 12वां स्थान हासिल किया है। हिसार के आजाद नगर की निवासी कल्पना ने आईएसएस भारतीय सांख्यिकी सेवा की कड़ी मेहनत से तैयारी की। कल्पना ने बताया कि उसने दिन रात मेहनत करके बिना कोचिंग लिए परीक्षा दी, इसमें उसने 12वां स्थान हासिल किया। वो इसका श्रेय परिजनों और शिक्षकों को देती है। कल्पना को नोएडा एकेडमी में 2 साल की ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर पोस्टिंग मिलेगी। उल्लेखनीय है कि गावड़ के पूर्व सरपंच दयाराम की पुत्रवधू राजबाला के अनुसार उसकी 2 बेटी और 1 बेटा है। वे गांव में डेयरी संचालन करती हैं और खुद दूध हिसार में लाकर बेचती हैं। उन्होंने बताया कि उसका बेटा रोहतक में MBBS इंटर्नशिप कर रहा है। कल्पना के पिता ज्ञान सिंह हिसार पटवारी के पद पर सिवनी में तैनात है। हिसार से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। सर, रिसेंटली यूपीएससी ने इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विसेज 2020 के एग्जाम्स 2020 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। ये एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। जनरली मई और जून के मंथ में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उन सभी के अंदर हमें असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट मिलती है। और हमारा जो मेन जो काम होता है वो डेटा जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का डेटा होता है उन पे बेस पे रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना होता है। जैसे GDP से रिलेटेड वेरियस रिपोर्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स होती हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जो काम होता है वो उन सभी पे रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना और फर्दर जो गवर्नमेंट को पॉलिसीज मेकिंग या फिर उनको रिकमेंडेशंस देने का काम होता है। सर, सबसे पहले तो मैं अपने इस परीक्षा में सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स को ही देना चाहती हूँ और उसके साथ साथ मेरे कुछ दोस्त थे, फ्रेंड्स थे साथ में जिन्होंने मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, उनका भी मेरे 2-3 ऐसे दोस्त हैं जिनका मेरे साथ हुआ है सिलेक्शन। और इसके साथ साथ मैं जो एक मेजर जो कंट्रीब्यूशन जो मोटिवेशन का पार्ट रहा था, जो मेरे सीनियर्स हैं जो फिलहाल इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, मैं उनको भी देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे प्रॉपर हर पॉइंट पे गाइड किया था और मुझे हेल्प की थी जहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आई थी। मेरा जो मेन जो संदेश है लड़कियों के लिए यही है कि आगे बढ़ें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अगर किसी फैमिली के अंदर अगर माता पिता को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है तो उनको समझाएं और अपनी मेहनत करें और ताकि अच्छा रिजल्ट दे, ताकि वो भी आपको आगे पढ़ाएं। सर, 2013 और 14 की बात है। हम 3 बहन भाई हैं, तीनों ही हम बाहर रहते थे। मेरा भाई कोटा से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में थी और मेरी बहन भी बीटेक कर रही थी। हम तीनों बाहर थे और घर में एक ही सैलरी थी तो उससे हम तीनों का खर्चा नहीं चल पाता था। इसलिए मम्मी ने पहले हमारे पास हिसार में ही 3-4 भैंस थी, बट उससे घर का खर्चा नहीं चल पाता था। इसके लिए मम्मी ने डेयरी चलाने की सोची और मम्मी ने फिर खुद ड्राइविंग सीखी थी। 40 की एज थी मम्मी की उस टाइम पे। मम्मी ने स्कूटी सीखी, कार चलानी सीखी और फिर एक व्हीकल लिया था जिससे मम्मी दूध सप्लाई करती थी। गाँव से 30 किलोमीटर हमारा गाँव दूर है और वहाँ से गांव से डेली दूध निकालना 10-11 भैंसों का और उनको डालना और फिर यहाँ पे पूरे हिसार में HAU तक 15 सेक्टर तक सभी जगह मम्मी दूध सप्लाई खुद करते थे और घर पे भी दूध जैसे सप्लाई मम्मी खुद करके करते थे। और करने के बाद मम्मी 9-10-11 के करीब फिर वापस गांव में जाते थे, फिर अगले दिन सुबह फिर 4 बजे उठ के फिर दूध निकालना, फिर से वही प्रोसेसिंग पूरा दिन से मम्मी का काम चलता रहता था। जी सर, ये जिस तरह बच्चा माँ बाप को देखता है मेहनत करते हुए तो बच्चे खुद ही मेहनती बन जाते हैं और हम तो शुरू से ही इनके साथ में भाई हम काम करते करते बोलते रहते थे भाई पढ़ लो हर टाइम। मान लो इनको यही रट थी तो ये भी हमें काम करते हुए देखे तो पढ़ते थे। और जिस तरह एक मान लो एक सरकारी आदमी एक तनख्वाह से तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने भी सोचा बच्चे पढ़ाई में ठीक है और तीनों की पढ़ाई भी मान लो बढ़िया थी तो तीनों बच्चे इन्होंने जिद की भाई हमें भी बाहर पढ़ना है, हमें भी कोचिंग लगानी है, हमें भी नॉन मेडिकल और लेना है। तो सर मान लो हमारा जो गांव है वो रेगिस्तान का है
तो मैंने यही सोचा भी शहर में है सिलाई और पशु पाल के और उनका दूध वगैरह बेच के तो ठीक अच्छा महसूस हुआ, तो इनको खुला पर्चा मिल गया सर और अभी भी इसने परीक्षा पास की है और ये असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर लगे। और ज्यादा तो सर देखो मैं भी बहुत खुश है सर, परिवार परिवार ही नहीं सर, हमारा तो मान लो पूरा ही सार शहर रिश्तेदार और हमारा पूरा गांव बहुत ही खुश है। नाम सपना है, वो उसने सर बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से और वो मान लो SSC और मान लो सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। लॉकडाउन की वजह से डेढ़ साल से मान लो कोरोना की वजह से डेढ़ साल से इसके पेपर नहीं हो रहे, बाकी दो चार पेपर इसके निकल भी चुके हैं अच्छी तरह, दो चार नंबरों से ही रही है कहीं यही कहीं। और सर इसकी तैयारी अच्छी चल रही है, इसने ये क्लियर कर ही दिया और बेटा था जो सबसे छोटा उसने MBBS रोहतक PGI से की है, अब उसका इंटर्नशिप चल रहा है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।